आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। आज सबसे बड़ा दंगल है झारखंड में। झारखंड में चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं और नतीजों का जो पहला रुझान है, रुझान तो कई आ चुके हैं लेकिन अभी जो तात्कालिक रुझान है, उस रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्लस 34 सीटों के साथ आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस और आज माफ करिएगा कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा जो उसके आरजेडी के सहयोगी दल हैं वो 33 पे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आज सुसात पे और जो जेवीएम है वो आपका 3 सीटों के हेरफेर में है। कुल मिलाकर के झारखंड में जो नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं वो त्रिशंकु समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यही जो नतीजे हैं वो आंकड़े में तब्दील हो जाएंगे, यही फाइनल नतीजे में तब्दील हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कल रामलीला मैदान से भाषण देखने को मिला, उनके चेहरे से भाव भंगिमा को समझ करके ये अंदाजा लगा लिया गया था कि झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में तमाम दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही है, लेकिन आज के नतीजों को देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। कुल मिलाकर के शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी अब से आने वाले कुछ घंटों में, लेकिन मौजूदा जो तात्कालिक नतीजे है वो यही है रुझानों के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी पीछे झारखंड में नहीं है। इसे भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड के रांची से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विकास कार्तिक नारायण। विकास जी, कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार में। क्या कुछ झारखंड की राजनीति को लेकर की आपकी समझ है और मौजूदा राजनीति वहां पर जिस तरीके से आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस किसकी होगी, प्रधानमंत्री मोदी की होगी या फिर रघुवर दास ने जो वहां पर विकास कराया है उनकी होगी? देखिए, आप ये जान लीजिए केंद्र में अगर मोदी है तो सब मुमकिन है, और जहां तक रघुवर दास की बात है तो रघुवर दास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड में, और वो उनका मार्गदर्शन मोदी जी हैं, और हम यही कहेंगे कि जब तक मोदी है तब तक हर जगह हर प्रदेश में मुमकिन है। और ये बात को बार बार हम हिस्ट्री को आप दोहरा रहे हैं कि 101% ने 103% हम सरकार बना रहे हैं और फुल मेजोरिटी में बना रहे हैं, और आशू और मरानी तो मेरे भाई हैं ही, लेकिन उसको नहीं लेते हुए भी हम बना रहे हैं। ये रुझान जो आ रही है, आप 11 बजे रिजल्ट देख लीजिएगा, 40+ पर हम हैं जी। लेकिन कार्तिक जी, जिस तरीके से मतलब वहां पे ये कहा जा रहा था कि रघुवर दास वहां पे झारखंड की जो चुनावी राजनीतिक जो समीकरण है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर वहां पे शिबू सोरेन हो, वो लोग वहां के क्षेत्रीय हैं, वो लोग आदिवासियों से लेकर के झारखंड का जो पूरा वोटों का मतदाताओं का जो एक तबका है उनसे जुड़ाव रखता है, लेकिन रघुवर दास एक अननोन चेहरा होकर के जिस तरीके से बीजेपी को वहां पर लीड किए, ये माना जा रहा था कि इसको लेकर के वहां पे लोगों में थोड़ा नाराजगी है, लेकिन अब जो रुझान देख रहे हैं, इस रुझान को देख करके ये सारी दावे तो खारिज होती दिख रही है। कार्तिक जी, देखिए, पार्टी सभी को खुश नहीं कर सकती है, और जहां तक बात है हम एक आम नागरिक की हैसियत से या किसी भी तरीके से बता रहे हैं कि आदमी को यह समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हर जगह मुमकिन नहीं है किसी को समझाना, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आदिवासी वोट भी जो है जो बीजेपी को मिली है, और जहां तक आ रही आप रुझान में देख लीजिए कि अभी रुझान में ये देखिए कि अकेले दम पर 35 सीट पर भी बीजेपी लीड कर रही है, आप देख सकते हैं आज तक में जो न्यूज आ रही है उसमें 35 पर लीड कर रही है, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ 35 पर आ रही। किसी को हमको लेने की जरूरत है, मैं आपको फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं 45 सीट फुल बहुमत से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कार्तिक जी कि अगर वहां पे बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता कब्जाने में अपनी कामयाबी हासिल कर लेती है तो जी, आप ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि कब जाने में, मैं ये जान तो बोल रहा हूँ बार बार कि बीजेपी पूरे फुल मोहम्मद यहाँ सरकार बना रही है और हम 27 तारीख को शपथ ग्रहण कर भी रहे हैं जी। तो ये कांग्रेस के लिए फिर कितना बड़ा चुनौती आप इसको देखते हैं अगर बीजेपी एक बार दोबारा यहाँ पर आती है तो? भाई आज तो कहेंगे हम ये कहें कि यहाँ पर पब्लिक की और भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पब्लिक की जीत है जी। लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कार्तिक जी, तो क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रामलीला मैदान से कल दिल्ली के वोटरों को साधते हुए उन्होंने तो 1737 अवैध कॉलोनियों को जो नियमित करने का वहां पे अपनी बातों को रखा जनता के सामने, तो ऐसे में अगर झारखंड की जीत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से होती है तो क्या इसका परिणाम सकारात्मक हम दिल्ली में भी देख सकते हैं कार्तिक जी?
110% जी 2029 तक तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो जान रहे हैं कि हम बना रहे हैं। हम ये भी देख लीजिए क्या केजरीवाल, क्या लगता है केजरीवाल पानी का बिल माफ कर दिए तो हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वोटर को बरगराने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं वो कर रहे हैं। काम देखिए, काम देखिए, उसके बाद बोलिए। वो पानी का बिल कम कर देने से और दूसरे तरह का घोषणा कर देने से थोड़ी होता है। लेकिन कार्तिक जी था, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे और लगातार पत्थरबाजी और हिंसक तस्वीरें सामने आ। सबसे पहली बात है कि एनआरसी का तो फुल मतलब अभी कम से कम कुछ नहीं तो 60% आदमी नहीं समझ पा रहे हैं जी। उसी को हमारे मोदी जी 250 रैली करके सबको समझा रहे हैं। कल दिल्ली में जिस तरह का लाइव वो बात किए है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि 25% आदमी को समझ में आ गया कि एनआरसी क्या है। मैं यही जानना कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में अगर आप जबरदस्ती घुस जाओगे तो आप किसी व्यक्ति को फोन के लिए सर रेडी करो, इनका सवाल ले लेंगे। अच्छा, लेकिन कार्तिक जी एक चीज ये समझना चाहेंगे कि अगर झारखंड की ये जीत बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश करेगी कि देखिए जनता ने जो हमारा नागरिकता संशोधन कानून था उस पे भी मुहर लगाया है, जिसका विरोध चल रहा था, जिसको लगातार इस देश के विपक्ष के नेता गुमराह कर रहे थे जनता को, इन सारी चीजों को झारखंड की जनता ने नकारा है। वो बात तो ठीक है, हम सब आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है ये कोई भी एनआरसी हो चाहे कुछ भी हो, इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है, जनता जनार्दन जी। आप 11 बजे का रिजल्ट देखिएगा, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मैं फुल में सरकार बना रहा हूँ और इसको मेरे जनता जो है उसको पूरे नातारण रूप से देख रही है, जान रही है, समझ रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए कार्तिक जी, अभी हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी इस वक्त की जो ताजा तरीन खबरें हैं, नतीजे हैं, वो मैं एक बार दर्शकों को अपने बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो 34 सीटों के साथ आगे चल रही है और वहीं आजसू 5 में है। देखिए कितना दिलचस्प है कि आजसू इस बार चुनाव अलग होकर के चुनाव लड़ी है और लेकिन जी आजसू को 5 में देखिए जी, अगर बीजेपी को आपको दिखाया जा रहा है 35 और आजसू 5 तो आप बीजेपी 40 बोलिए, आजसू मत बोलिए। जी 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 जी, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके से कार्तिक जी ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, लगाया जा रहा था कयास कि ये अगर कुछ तस्वीरें अगर ठीक ठाक नहीं बनेगी तो आजसू यहां पर गेम पलट सकती है, लेकिन जब यहां पर सारा खेमा अभी विपक्ष बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आजसू भी साथ में ही रहेगी। आंसू भी साथ में रहेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं बाबूलाल मरांडी को भी साथ में ले लिया हूँ और उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन मैं फिर लास्ट में ही कहना चाहूंगा मुझे किसी का समर्थन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं फुल मजबूती में सरकार बनाऊंगा। चलिए कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबी स्टार से जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे कार्तिक विकास जो कि रांची से वरिष्ठ पत्रकार हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस वक्त हमारी सरकार झारखंड में बन रही है, नतीजों में जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पे जो रुझानों में हम देख पा रहे हैं वो एक बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए।